जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। सारिका सी जी व्लॉग में आप मन के स्वागत है। तो कैसे हो आप मन? सब स्वस्थ हो, मस्त हो ना? आशा करत हो आप मन स्वस्थ हो, मस्त हो, संगवारी हो। बहुत जन संगवारी मन मोला बोलते दीदी ते कुछ भी बना था कर रेसिपी डाले कर, तो लेकिन मैं कुछ खास खास बनाता हूँ ओकरे रेसिपी डालूँ, बाकी सब चीज़ तो बहुत जल्द आ जाते संगवारी हो। लेकिन सब कोई के बनाए के अपन अपन तरीका होते। तो संगवारी हो आप मन तो वीडियो में देखे करे हो, मैं गांव गए हूँ अभी थोड़ा दिन पहली, मतलब एक दो दिन पहली, तो मैं गांव से आ गए हूँ। और अगर आप मन मोर गांव वाला वीडियो नहीं देखे हो, मतलब मैं जो गांव गए हूँ तो हम अपन मन के खेत में, तो आप मन देखे करे हो संगवारी, हमन मन के खेत में गिरेन, मतलब हमन पहली बार गिरेन, मम्मी भी पहली बार गिरी से और हमन भी पहली बार गिरेन। और जो बड़ होना कथे ना संगवारी हो, वही करे बर गिरेन हमना, पूजा पाठ करके जो बड़ होना कथे ना वही करे बर गिरेन। वो हमारे खेत ला भी देख लेबो, मतलब आज तक के नहीं देख रहे हमन अपन खेत ला, तो हमारा पापा हा दिखाए बर ले गिरी से, तो हमन गिर रहे संगवारी हो। और बहुत जन गलत समझत रही कि आप मन धान लुएल गए हो, आप मला कहाँ धान लुएल आई, तो हाँ हमला नहीं आए, लेकिन गे रहन हमन अपन खेत ला देखे बर गे रहन संगवारी हो, हमन धान लुए बर तो नहीं गे रहन, और अपन अपन खेत ला देखे जाना कोई गलत बात तो नो हरे। तो संगवारी हो आज के मर व्लॉग में आप मल्ला बिरयानी बनाए के रेसिपी, मतलब होममेड बिरयानी बनाए के रेसिपी देखे बर मिली, तो आप मन भी कैसे बनाते हो तेला जरूर कमेंट करके बताना। तो चलो अभी मैं जाऊँ किचन में, वो पूरा तैयारी तो हो गए, चलो बनाना स्टार्ट करता ना मना। और शुरू से देखना संगवारी हो बिना स्किप किए, संगवारी हो अभी मैं यहाँ किचन में आ गया हूँ बनाए के तैयारी करता। और मैं अक्सर घर में ही ज़्यादा बनाना पसंद करता हूँ, मतलब बाहर से भी खाता, लेकिन मोर पतीला मोर हाथ के ज़्यादा अच्छा रखते, तो मैं अक्सर बहुत सारा चीज़ घर से ही बनाता हूँ संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे भी हो मोर बहुत सारा वीडियो में, और मोला खुद भी बहुत अच्छा लगता है घर में बनाना। तो सबसे पहले हमारा चिकन चाहिए बिरयानी बनाए बर, तो यहाँ पास चिकन धुल के रेडी है और एकदम फ्रेश फ्रेश दिखाते हैं, अभी हल मैरिनेट करबो। और मैं यहाँ थोड़ा अपन तरीका से बनाऊँ संगवारी हो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहूँ आप मन। हाँ यहाँ पे मेले हों चार ठो प्याज, अल लंबा लंबा काटना है, तो मैं अभी प्याज ला काटे के बाद मिलता हूँ आप मल्ला। तो मैं यहाँ पे तेल एकदम गरम करके जो लंबा लंबा प्याज काटे रहे हो ना, ओला तले भर रख दे एकदम ब्राउन कलर, मतलब थोड़ा से लाल लाल टाइप ब्राउन कलर के करना है, भूरा भूरा कलर प्याज ला। और यहाँ पे दही, यहाँ पे खड़े मसाला, यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट और थोड़ा से जीरा डाल के पेस्ट बनाओ मैं यहाँ। और अभी हमन चिकन ला मैरिनेट करबो, तो वीडियो में बने रहो संगवारी हो। और हाँ यहाँ पे हेवे बासमती चावल, यहाँ पे हेवे बासमती चावल ले दे, सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स, मतलब सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मन में से एक, ऐसे कोई भी चावल के बना सकते हो आप मन, हाँ HMT वगैरह से भी बना सकते हो, लेकिन मैं हाँ ये वाला चावल से बनाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आप मन भी ट्राई करके देखना। और ये तो मैरिनेट करना है स्टार्ट कर थन, और मैरिनेट करके एक घंटा दो घंटा पहले भी रख सकथन, लेकिन मोला इंस्टेंट बनाना है, मतलब जल्दी से बनाना है, अभी तो 15 मिनट 20 मिनट बस रखूँ मैं यहाँ। तो मैं यहाँ पे डाल दे हूँ 2 चम्मच दही और अदरक लहसुन के पेस्ट 3 चम्मच डाले हूँ, और यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्ची, मिर्ची तीखा वाला नहीं है, थोड़ा कलर वाला हरे, वो का बोलते वाला एवरेस्ट का तीखा लाल वाला। और यहाँ पास में थोड़ा थोड़ा कूट ले हूँ खड़ा मसाला मल्ला, और वो लाए मैं डाल दूँ, और वो नमक नहीं डाले हो मैं, अभी नमक डालूँ संगवारी हुए मैं, और बिरयानी मसाला डालूँ, तो यहाँ पास मैं एकदम थोड़ा से डालूँ बिरयानी मसाला, और मैं नमक डाल चुके हूँ मैं यहाँ, एकदम थोड़ा से बिरयानी मसाला बस डालूँ, यहाँ पे प्याज भी तला थे थोड़ा से बचे हैं, तो अभी थोड़ा से मैं डाले हूँ संगवारी हो मैं बिरयानी मसाला। तो यहाँ पास प्याज है दे ब्राउन हो गए हैं, अब हम मैंने लग थोड़ा से ना क्रश करके इसमें डालबो, इसमें डाल दो, और ये वाला प्याज ला, अभी ये वाला प्याज ला रखना है बचा के काम ही कबर की थोड़ा से। यहाँ प्याज में तले वाला जो तेल रही ना, वो मैं 2 चम्मच निकाल के इसमें डालूँ मैं यहाँ अभी संगवारी हो। तो यहाँ पे
सब चीज़ जला गए है हमें, अब एला हम यहाँ छोड़ देते हैं मैरिनेट होए बर, ढक देते हूँ मैं एला और मिलते हूँ आप मल्ला में यहाँ, मतलब एकर से मतलब एला हमन खोलबो 20 से 25 मिनट बाद। अगर आप मन हाँ ज़्यादा अच्छा सौ बनाना चाहते हो, अपने ज़्यादा समय है तो आप मन एक घंटा पहले या 45-50 मिनट पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हो, और 15-20 मिनट भी काफ़ी रहते, तो मैं 15 मिनट भर रख देता हूँ अभी हेला। गंजी भी चढ़ा चुके हूँ मैं, दे वही मैं सिर्फ तेज पत्ती डाले हूँ एक ठो, और खड़ा मसाला थोड़ा थोड़ा कूट के डाल दो मैं सब खड़े मसाला मल्ला इमें, और अच्छा से एला हमन हाँ पानी ला उबले भर छोड़बो। अभी मैं थोड़ा से एक चम्मच नहीं आधा चम्मच जीरा डालूँ मैं इमें अभी, और नमक पानी खोले लगी तो नमक डालूँ, और चावल अभी मैं हाँ धो के रख दे हाँ वो हाँ। तो संगवारी हो इमें मैं मिर्ची और धनिया डाल दे, मिर्ची मैं सिर्फ दो ठो डाले हूँ काबर कि हमन ज़्यादा मिर्ची नहीं खाने के वजह से, आप मन अपन टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैं सिर्फ दो ठो हरा मिर्ची डाले हूँ पीस से ओला काट के। तो यहाँ पास हमारे चावल के पानी में देखो मस्त उबाल आ गए है और कलर भी मस्त हो गए, और यहाँ पे मैं यहाँ पास डाल दूँ एक चम्मच घी, एक चम्मच से थोड़ा कम है कबर कि हमन दो जन के हिसाब से बना था एक वजह से मैं यहाँ थोड़ा से एक चम्मच से थोड़ा से कम घी डाले हूँ आप मन हाँ। और मैं चावल डेढ़ गिलास ले हूँ, मतलब एक गिलास दो जन भर, और आधा गिलास और ले ले हूँ चावल थोड़ा से एक्स्ट्रा बना हो मतलब मैं हाँ। तो मैं चावल डाल दे हूँ ये दे, और ज़्यादा हम लना या इला नहीं खोना है, मतलब चलाना नहीं है ज़्यादा चम्मच काबर कि चावल टूटी एकदम कम कम चलाना है, तो मैं अभी हल बंद कर देता हूँ। बस तैयार हो गए ये दे, और मैं चावल यहाँ पास 90% ही पका हूँ काबर कि अभी मैंने इला दम बिरयानी बनाबो, तो आधा चावल तो ऐसी पक जाही, 80 से 90% मतलब 80 से 90% ही पकाना है चावल लो वो, तो ये देखिए करके देखो ना, तो थोड़ा चावल हाँ आधा पक के रही, मतलब थोड़ा ना थोड़ा अंदर कच्चा रही, तो हम लाइला आगे के प्रोसेसिंग चालू हो गए है। यहाँ पास मिले हों 2 चम्मच दूध, और ये वाला 10 रुपया या फिर 15 रुपये मिल जाते वाला कलर हाँ, कुछ भी कलर डाल सकते हो संगवारी हो आप मना, लाल कलर वो कलर भी मिलते का बोलते हरा कलर, लेकिन मुझे यही वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है मैं डाले पर। और घोल के मैं हाइल रख दूँ साइड में, दूध में घोले हो मैं 2 चम्मच, आप पानी में भी घोल सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हाँ दूध में घोलो ना, पर केसर हो ही तक केसर भी भिगा के दूध में रख सकते हो, लेकिन हम मोर पास केसर वेसर नहीं है अभी, तो मैं हाँ यही कलर ला रख दो हमेशा अपन पास। तो यहाँ पास में मैरिनेट होए वाला चिकन ला कुकर में डाल दे हो संगवारी हो, आप मन देख सकते हो पूरा मसाला समेत, और यहाँ पास जो चावल रिसला ओला ओकर ऊपर में डाला था, और चावल डाले से पहले मैं धनिया पत्ती भी थोड़ा से डाले हूँ, और प्याज वहाँ पास जो रखे रहे हो ना ओला भी डाले हूँ। अभी हमन चावल ला लेयर टू लेयर डालबो, ये में चावल एक लेयर इधर डाल चुके हूँ, अभी मैं थोड़ा से प्याज डालूँ यहाँ पास जो हमन तल के रखे रहे ओला, और यहाँ पास थोड़ा से कलर डालूँ जलेबी रंग बोलते ला या फिर फूड कलर जो भी बोलते, 10 रुपया 15 रुपये में मिल जाते जिसे कि आप मतलब मैं बताऊँ, और यहाँ पास धनिया पत्ती ऊपर से डाल देबो हमारा, और फिर से दूसरा लेयर डालबो यहाँ पास चावल के, तो उकर बाद हम ना इमें फिर से प्याज और सेम टू सेम वैसी कलर डालबो काबर कि कलर डाले से बहुत अच्छा दिखते बिरयानी हाँ, और ये फूड कलर है तो कुछ नुकसान भी नहीं है। तो चलो आप मल्ला में हाँ कुछ देर बाद मिलूँ, ये बन जाही तो मतलब एक सीटी हो तक के बस पकाना है ला, तो चलो संगवारी हो चल था ना भी, और पके के बाद मिलता ना, गैस के फ्लेम एकदम लो रखे हो मैं आप मन देख सकते हो। तो अभी हम हाँ खोल के देखता नेला, देखो मैं आप मतलब दिखा देता हूँ पूरा ला मिक्स करके, सबसे पहली चिकन ला देखता ना मन हाँ, तो देखो चिकन हाँ कितना पक गए मस्त पूरा, ये दे अच्छा से पूरा पक गए है ये दे, और मैं भी आप मतलब पूरा निकाल के दिखाता हूँ,
लेकिन मोर कुकर मोर आज साथ नहीं दिसे, मतलब सीटी नहीं बजी से, तो मेला अंदाजा से बनाओ, मतलब 15 से 10-15 मिनट के अंतर्गत बनाओ, तो मोला अंदाजा हो गए है एक वजह से बन के संगवारी हो। इसे आप मन के कुकर में अपन एक सीटी में बना सकते हो, देख सकते हो कितना खिले खिले मस्त तो संगवारी हो। ए देर रेडी है वे पूरा बन के, थाली लग गए है पति देव बार, और ये देखो मैं आप मन लगा दिखावत हूँ, एला देखो पूरा अच्छा से पक गए निकला थे दे, एकदम मस्त पके हुए है, कबर की ए मैरिनेट के कमाल हरे मैरिनेट करके रखे रहे तेकर। और ये दे दो प्रकार के आ जाते मोला बनाए बार, अभी एक प्रकार के बनाओ और आप मन कमेंट्स करके बताना कि ओ एल एल बी बनाओ का, मतलब ओ एल एल बी बनाओ का करके कमेंट्स करके बताना, फिर आप मन ला ओ एल एल बी दिखाऊँ बना के, और ए वाला कैसे लगत है बताना संगवारी हो जरूर से कमेंट्स करके। तो आज के मोर व्लॉग वीडियो अगर आप मला अच्छा लगी सोही तो मोर वीडियो ला जरूर से लाइक कर दू, संगवारी हो आप मन लाइक नहीं करो तो जरूर से लाइक कर दू, अपन संगवारी मन से शेयर भी कर दू, और मोर चैनल में ना हो तो मोर चैनल ला जरूर से सब्सक्राइब कर दू। मिलते हो अपन नेक्स्ट वीडियो में, जय जोहर जय छत्तीसगढ़। वहाँ संगवारी हो मोर इंस्टाग्राम आई डी सारिका सी जी व्लॉग, वहाँ भी जाके फॉलो कर लूँ।